ये देखिए कहाँ बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, किन चावानों के ऊपर बैठ गए। बन गया है, अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ये दो सेल्फ रह गई, इनमें भी मैं लगा लूंगी। तो आइडिया कैसा लगा मेरा आपको बताना, बचपन का ही आइडिया। मेरी मोबाइल का फ्लैश ऑन है, मुझे अभी पता चला। ये लो पकड़ो, धीरे से, गिराना नहीं, धीरे से। दूसरा होता है उनके काम करने का तरीका, वो तो मैं छू भी नहीं पाऊंगी। राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है बटर और ये गया मेरा चीला। आप लोग गैस करो किसका चीला है, वैसे तो मैं बता ही दूंगी अभी, पर आप गैस करो। मैं इसको ढक करके रख दूंगी और ये बनता रहेगा। ये अभी मैं वॉश कर दूंगी। तो आज है मेरा और नन्नू का, मेरी मम्मी के बिना और नन्नू की नानी के बिना पहला दिन। पहले दिन की हो रही है शुरुआत। मैं बना रही हूँ ओट्स का चीला और इधर मुझे बस गैस ऑन करनी है, सब कुछ पड़ा है। ये है मेरी फटाफट वाली इंस्टेंट चाय, चीनी चाय की पत्ती डाल करके मैंने रख दिया था। अब थोड़ा सा बॉयल आएगा तब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। अदरक भी मैंने कूट लिया। इनकी छोटी छोटी नाइट ड्रेस यहीं पर साफ कर दिया था, साफ करके सुखा दी थी। धूप आती है अच्छे से सूख जाती है। बटर कितनी जल्दी पिघलने लगा, एक टाइम वो था कि पिघलाने के लिए क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती थी। मेरी मोबाइल का फ्लैश ऑन है, मुझे अभी पता चला। बन गया है, अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ये देखिए कहाँ बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, किन चावानों के ऊपर बैठ गए। एक साफ कपड़ा था ये, मैंने इनका आसन बना के इनको अभी यहीं पर बैठा लिया। मैं लंच वंच बना के फटाफट से सारा कुछ यहाँ ले करके आ गई हूँ। हालत ख़राब हो गई गर्मी में, एसी चला ली अभी। इतने दिन बाद, दिन क्या महीनों बाद एसी में बैठी हूँ। अभी तक तो खैर ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार इतने दिनों बाद एसी में बैठ करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लंच तो क्या बनाया था, खैर लंच तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था, सब्जी रखी थी तो चावल थोड़े से बना लिए थे, ये खा करके चले गए हैं। मैं और नन्नू चावल खा लेंगे। अब जब नन्नू ट्यूशन से आ जाएगी ना, तभी हम लोग दोनों लोग बैठ करके चावल खा लेंगे। अभी रिमोट ढूंढने ढूंढते हालत ख़राब हो गई मुझे ना, रिमोट ढूंढते ढूंढते मैं इतना थक गई, परेशान हो गई। मैंने कन्हैया जिसका कन्हैया जी मिल जाए, तुरंत मिल गया रिमोट, फ्रिज के ऊपर था, वहाँ नज़र गई, तुरंत मिल गया। एक नंबर फैन कम कर लेती हूँ, बंद हो जा ना। कुंडी लगा लो क्या, मुझे ये लग रहा है कि बाहर कोई खटखटाता रहा, मैं सुन भी ना पाऊँ, बस और कोई बात नहीं है। फाइनली फुर्सत की सांस मिली आज, अब जा करके, अभी भी फुर्सत की नहीं है, अभी जाऊंगी काम करूंगी। एसी बढ़िया ठंडा कर रहा है। जब तक रेंट पे रह रही थी विंडो एसी था हमारे यहाँ, तो मैंने ये कहा था कि जब खुद का घर होगा ना तब स्प्लिट एसी लूंगी, क्योंकि जो स्प्लिट एसी होती है वो उसको बार बार उखाड़ना लगाना ठीक नहीं रहता है, वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और विंडो एसी रेंट के लिए ही, रेंट के मकानों के लिए ही बनी रहती है, बस जाओ और फिट कर दो। इसमें क्या है, इसमें बार बार स्प्लिट एसी को उखाड़ना और लगाना, वो सारी चीज़ें मतलब ख़राब होने के चांसेस होते। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको अपने घर में ही लगाऊंगी जा करके, बट कभी सोचा भी नहीं था कि फिर से इसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यही होता है ना, इंसान सोचता कुछ है हमेशा और होता कुछ है। नन्नू ये बैग अपना रखो सोना। तो अभी ये वाला और ये वाला गत्ता है किचन का, इसको मुझे खाली करना है। अब मैं जा रही हूँ, आपसे मिलूँगी बहुत देर के बाद, क्योंकि मुझे इतना काम करना है, वो भी अकेले। तो ये रहे सारे बर्तन, अभी मैं इनको वॉश करूँगी। और थोड़े ही निकाले हैं क्योंकि मैंने एक गत्ता ये भी खाली किया, एक एक गत्ता खाली करूँगी, एक साथ सब करूँगी तो फिर रखने की भी जगह नहीं बचेगी, थोड़ी सी ही जगह है। और ये देखिए पूरा गत्ता खाली हो चुका है, बस दो डब्बे बचे हैं और इसमें कुछ सामान है। चूहों ने देखिए क्या गत मचाई है वहाँ पर, ये देखिए, इसलिए डर रही थी मैं कि कुछ काट ना दें, बट अभी तक तो चलो टचवुड नहीं कुछ काटा है। अब आगे गत्ते खुलते हैं तब देखते हैं कुछ नुकसान किया है कि नहीं। अब चलिए मैं फटाफट जा रही हूँ,
बर्तन धुल लेती हूँ, बीच बीच में आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करना। इतने दिन बाद एक तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ऊपर से सही से नहीं कर पा रही क्योंकि काम ज़्यादा है, वो आप समझ सकते हो। अभी मैंने किचन में ये देखिए इस तरीके से एक मेरे पास ही प्लास्टिक का मैट रखा हुआ था तो वो डाल लिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑर्डर करूँगी बट वो थोड़े से कॉस्टली भी आ रहे थे और फिर मुझे ना ये वाला मैट दिख गया। ये ना बहुत कम यूज़ होता है, रेयर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को कट करके लगा दूँ। तो उससे ये है कि अब ये नीचे पानी भी नहीं टपकेगा एक दूसरे की सेल्फ का बर्तनों में, और थोड़े बहुत अगर वैसे गीले भी रह जाते, वैसे तो सुखा के लगाती हूँ तो फिर उसकी ये जो चीज़ होती है ना जाली, ये नहीं ख़राब होगी। तो इतना मैंने किया है। अब मैं ये ऊपर वाले के जो मैंने कट किए हैं वो लगाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने नाप ले करके अच्छे से कट कर लिए हैं, इसमें भी मैं लगा दूँगी। देखिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, नई चीज़ है, ख़राब हो जाए। मेरी तो आदत है चीज़ों की केयर करने की बहुत ज़्यादा, चाहे अपनी हो गई चाहे पराई हो गई, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। ये दो सेल्फ रह गई, इनमें भी मैं लगा लूँगी। तो आइडिया कैसा लगा मेरा आपको बताना। बचपन का ही आइडिया है, कोई बहुत नया मैंने आविष्कार नहीं किया इसको। बचपन में भी ऐसे ही जो पॉलीथीन होती थी मम्मी लाती थी कट करके अलमारी वगैरह में, रैक वगैरह में, किचन में ऐसे बिछा देती थी काम कर करके। देखिए हाथ कैसे हो गए, ये देखिए कितने हाथ गंदे नहीं हैं, ये मेरे एकदम क्लीन हाथ थे, पर जब से काम कर रही हूँ कितने काले काले से हो गए, छूटता ही नहीं है। अब मैं पूरा काम निपटा लूँगी, उसके बाद हाथ पैरों का ध्यान दूँगी अपने। पर मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए हैं, फ्रूट मंगाया है, फ्रूट में आया है वाटरमेलन, कुछ चिप्स हैं नन्नू के लिए, और इसमें मैंने मंगाए हैं टोमेटो, ये है दालमोठ, इधर मंगाया है पनीर। तो जो फ्रिज में रखने वाला होगा मैं वो फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद देखती हूँ जो मन करेगा वो खा लूँगी। नन्नू क्या खाना है? अभी तो मुझे चिप्स पीना है। दूध पीना है? चिप्स, चिप्स भी खा लूँगी। चिप्स खाना, लो चलो चिप्स खाओ, और जूस अभी मैं देती हूँ तुम्हें ग्लास में डाल के, कप में डाल के दे रही हूँ, ठीक है? लाते हैं, दिखाती है। देखिए इतने ढेर सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, ये देखिए। अब इनको जब ये सूख जाएंगे ना तब लगाऊंगी, और मुझे ना ये बॉटल यूज़ करने का मन नहीं कर रहा, मैं इनको रिजेक्ट ही कर दूँगी, अभी साफ़ भी नहीं हुई है ढंग से। जूस क्या है, मतलब ये फ्रूटी है, वैसे तो मैंगो शेक बनता ही है, आज फ्रूटी से काम चला रहे हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत देर पे चाहिए ही होता है, और हर टाइम बाहर की चीज़ भी नहीं खिला सकते, और एवरी टाइम घर की चीज़ भी खिलाना पॉसिबल नहीं होता, और जब आपके पास इतना काम हो तब। मैं ना एक प्लेट देख रही हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रही है, ये हो गया। ये लो पकड़ो, धीरे से, गिराना नहीं, धीरे से। इतने छोटे से घर में कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आ रहा है, हालत ख़राब हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। वो भी एकदम अकेले। चलिए करते हैं कुछ। रात का बज रहा है 10 और मेरी बज गई बैंड काम करते करते। बट जो एक होता है ना कि हिम्मत से जवाब दे जाती है वो हो जाता है, पैर की जो जहाँ पायल पहनते हैं ना वो जो जॉइंट होते हैं जिस जगह पे पायल रहती है वो लग रहा फट जाएंगे, एड़ी फट जाएगी, ऐसे लग रहा है। अभी तो ये लग रहा था नहीं लेटना नहीं है, और काम कर लो और काम कर लो, क्योंकि अगर हम लेटे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट फिर भी लेट गई, और ये नन्नू ने कुछ फरमाइश कर दी है नन्नू के लिए, नन्नू के साथ चले गए मार्केट, हालांकि बहुत थके थे, आज ही गुड़गांव गए थे तो वहाँ से लौट कर के आए, बट फिर भी नन्नू के लिए चले गई हैं। तो देखिए क्या क्या लेकर के आएंगी मैडम। मैंने कहा चलो मैं तब तक आपसे बात ही करती हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, फाइनली धीरे धीरे करके घर समेट रहा है, सेट हो रहा है, और अकेले कर रही हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने ऊपर होता है ना एक चीज़ की, हाँ मम्मी पहले कराती थी सारा कुछ, तो एक होता है मम्मी का एक्सपीरियंस, दूसरा होता है उनके काम करने का तरीका, वो तो मैं छू भी नहीं पाऊँगी, सीधा बोलते हो। मम्मी मेरी जितनी परफेक्ट है वो तो मैं उनका कहते नहीं है कि
बहुत दूर दूर तक है उनका उनका बराबरी कर पाना। और आई थिंक कोई भी बच्ची अपनी माँ की बराबरी नहीं कर सकती है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है इस बार मैं अकेले कर रही हूँ। मम्मी ने कहा, मैंने मम्मी से पहले कह दिया, मैंने कहा इतनी बीमार हो छूना मत काम बिल्कुल भी, आओगी बैठोगी, बट वो हो जाता है ना कि आएंगी तो बैठेंगी कहाँ, काम ही करने रहे। मैंने पहले भी सख्त हिदायत दे दी थी, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना लगी रहती हो वहाँ भी करोगी, इतना हैवी काम इस बार तो मैं करने नहीं दूंगी। ज़िंदगी की पहली शिफ्टिंग है जो मैं मम्मी की ना कर रही हूँ। फिर मम्मी को अचानक से जाना पड़ गया, अभी वो गई हैं कम से कम 8-10 दिन माने लो। मम्मी ने कहा तुमने किस घड़ी में मुँह से निकाला था कि काम नहीं करोगी, देखो वही हो गया, इत्तेफाक से मम्मी को जाना भी पड़ गया, अब मम्मी के बिना ही सब करना पड़ रहा है। हाँ आज क्या लेके आई हो चिज्जू? वाह ये देखिए ये आया है मामला लड्डू गोपाल जी के लिए। ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल जी, मैंने उड़ा दिया था, मैंने कहा इनको ठंड ना लग जाए एसी में। सो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, सबको मेरा राधे राधे।